हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपस्ता क्लास टेंथ की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास टेंथ मैथमेटिक्स में मेरे प्यारे भाई, आज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका चैप्टर है सांख्यिकी, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2023 में आने के पूरे चांसेस हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। इस आपके सांख्यिकी से आपके पेपर में जरूर क्वेश्चंस आता है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि दो वीडियो में आपको यहाँ से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। ये आज सांख्यिकी का पहला लेक्चर है, इसमें मैं जो जितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं समांतर माध्य से, वो क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। माध्यिका से क्वेश्चन जो आते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा, लेकिन अगर समांतर माध्य से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो इस वीडियो में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं समांतर माध्य से बनते हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको कराऊंगा। और अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते हैं तो समांतर माध्य से इसके बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो सांख्यिकी के दो वीडियो आपकी रहेंगी, आपको दोनों को देखना है। ये अगर आप फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं तो सेकंड पार्ट भी देखना है, अगर आप सेकंड पार्ट देख रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट भी आपको देखना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो बिना किसी देरी के चलिए अपने क्वेश्चंस को शुरुआत कर लेते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर आपको वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दिया गया है, बारंबारता को आप एफ आई से डिनोट करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, आपका पहला काम ये, जब देखो जो चीजें आपको पता है, क्या गिवन है, वर्ग अंतराल गिवन है, बारंबारता गिवन है, तो आपको पता करना है कि आपको मध्यमान क्या होगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। क्या आपको पता करना है? मध्यमान, ठीक है। तो मध्यमान का नोटेशन तरीका क्या होता है? एक्स आई से डिनोट करते हैं। अब मध्यमान आएगा कैसे? जो आपका वर्ग अंतराल है इनको जोड़ करके आप आधा कर दें, तो जोड़ेंगे 0 10 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 का आधा करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर 10 और 20 को जोड़ेंगे 30 होगा, 30 का आधा क्या होता है? 15 लिख देंगे। 20 और 30 को आप जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पर 50 आ जाएगा, और 50 का आधा 25 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, 5 में आपने 10 जोड़ा 15 आया, 15 में 10 जोड़ा 25 आया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गैप कितने कितने का, 10 10 का गैप है सब जगह, तो आपको दिक्कत कोई नहीं लेना है। 5 10 15 15 10 25 25 10 35 लिख देना है, और 35 10 45 लिख लेना है। नहीं कर पाते हैं तो वही सेम चीज़ करें, जोड़ करके आधा, तो 40 30 70 70 का आधा 35, और 50 40 90, और 90 का आधा 45 हो गया। अब यहाँ पर आपको देख लेना है कि आपको क्या करना है, एफ आई एक्स आई निकालते हैं, एफ आई इंटू में एक्स आई, तो गुणा करके अब यहाँ पर दोनों का गुणा करना है, तो 8 5 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और 12 और 15 का गुणा आप कराएंगे तो देखो कि कैसे कर लेते हैं, 15 धाम में 150 और 15 दुनाई 30, तो 150 में 30 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 180। गुणा कर लेते हैं, 15 दुनाई 30, 3 आए 15 एकम 15 3 18, 25 का 10 में गुणा करेंगे तो 250 हो जाएगा, 25 धाम में 250, 35 का 11 में गुणा करेंगे, मैंने आपको 11 का गुणा करने का तरीका बताया है, आपको देखो 5 लिख लेना है, किसी भी संख्या में आपको 11 का गुणा करना है तो आपको लास्ट डिजिट लिख लेना है। अब 5 और 3 का जोड़ दो तो 5 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, तो 8 लिख लेना है, और एक संख्या आपकी 3 बचेगी, 3 को आपको लिख देना है, हो गया कंप्लीट। वैसे भी आप 11 का गुणा करके लिख सकते हैं, 11 5 55 हो जाएगा, 11 3 33 5 38 हो जाएगा। 9 का गुणा कराना है 45 में, तो देखो 9 5 कितना हो जाएगा? 45 के 5 लिख लेते हैं, 4 आएगा, और 9 4 36 37 38 40, तो ये हो जाएगा 405 गुणा हो गया। अब देखो आपको क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो समांतर माध्य का फॉर्मूला आप जानते हैं, समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा क्या हो जाएगा? एफ आई, यही तो होता है आपका। तो यहाँ पर आपको देखो सिग्मा का मतलब होता है समेसन, योग, तो आपको एफ आई एक्स आई का आपको योग करना है, मतलब इसका योग करेंगे आप, तो देखो 0 0 5, यहाँ पर 5 5 10 0 हो जाएगा, 1 आएगा कह रही है आपका, 4 1 5 5 8 5 13, 13 5 18, और 18 2 20 6 26 26 हो गया, 2 कह रही है, 2 1 3 3 2 5 5 3 8, और 8 4 कितना हो जाएगा? 12, तो ये आपका 1260 आ गया। तो यहाँ से समांतर माध्य बराबर कितना आ जा रहा है आपका? समांतर माध्य बराबर आपका आ रहा है समेसन एफ आई एक्स आई आपका आ गया 1260, लिख लेंगे। अब देखो आपको समेसन एफ आई ज्ञात करना है, तो एफ आई कैसे आएगा? एफ आई यहाँ पर आपका ये है, इनको आपको जब आप ऐड करेंगे तो देखो 12 8 कितना हो गया? 20 हो गया, 20 10 30 हो गया, और 30 20 आपका ये हो गया 50। तो यहाँ से आप जब सिग्मा आप निकाल पाए एफ आई, वो कितना आ गया? 50 आ गया, और यहाँ से आप देखें सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया आपका? 1260 आ गया था। तो यहाँ पर 50 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 20 हो जाए, 5 2 9 10 हो जाएगा आपका, 10 आएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा, 5 4 को 20 हो गया, नहीं 5 5 25 बार जाएगा, 5 5 25 बार जाएगा, 1 आएगा, 10 5 2 9 10, तो ये आपका समांतर माध्य कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? समांतर माध्य आपका आ गया 25.2, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से समांतर माध्य निकाल सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन तो आपका हो गया कि जब भी आपसे समांतर माध्य पूछा जाएगा तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर आपको समांतर माध्य दिया रहेगा और यहाँ पर आपको जो FI दिया गया बारंबारता, इसमें कोई संख्या नहीं दी रहेगी, X दिया रहेगा या F दिया रहेगा। ठीक है, क्या दिया रहेगा यहाँ पर, मान लो 10 की जगह क्या दिया जाएगा, F दिया जाएगा। इस प्रकार से जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, अब इन क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। समांतर माध्य दिया रहेगा, आपको यहाँ से F की वैल्यू निकालनी रहेगी, तो वो क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। इसको आप नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। देखो कह रहा है निम्नलिखित सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांक का समांतर माध्य 25 दिया गया है। देखो सबसे पहला काम करना है कि क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको पढ़ लेना है। ठीक है, अब यहाँ से कहा गया है x का मान आपको ज्ञात करना है, मतलब जो आपका x ये है ना, इसी का आपको मान ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया है कि वर्ग अंतराल आपको दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा। आपको पहला काम कर लेना है कि यहाँ से मध्यमान xi ज्ञात करना है। तो देखो वही काम करना है इससे पहले क्वेश्चन में आपने किया था, जोड़ करके आधा करेंगे 5 आ जाएगा। यहाँ पर भी वही टर्म आपको दिया गया, 10 और 20 को जोड़ेंगे 30 आ जाएगा, 30 का आधा 15। यहाँ पर भी वही 20 और 30 का 50 हो जाएगा, 50 का आधा करेंगे आपका 25 आ जाएगा। तो वही देखो सिस्टम बन रहा है, यहाँ पर 10 का डिफरेंस है, तो 5 10 15 15 10 25 25 10 35 हो जाएगा, और 35 10 क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बारंबारता FI होता है, मध्यमान XI होता है। अब यहाँ पर आपको दूसरे कॉलम में क्या कर लेना है कि यहाँ से आपको XI FI या FI XI गुणा में कोई चीज़ आप लिख सकते हैं ना, तो XI FI आपको क्या कर लेना है, गुणा कर देना है। तो देखो 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर x है तो 15x हो जाएगा, ये 15 गुणे में x मतलब 15x हो जाएगा। 25 छक्का कितना हो जाएगा, 25 छक्का आपका हो जाएगा 150, तो ये 150 हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर 35 धामा कितना हो जाएगा, 350, ये 350 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर आपको देख लेना है कि 45 पंजे, देखो 45 दूना कितना होता है, 90, 90 का डबल कितना हो जाएगा, 180, 180 में से 180 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 225, तो ये आपका हो जाएगा 225, आप गुणा करके देख लेना। ठीक है, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 2 22। अब देखो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर आपका होता है कि समेसन मतलब योग किसका, FI XI का या XI FI का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपॉन में क्या होता है, समेसन ऑफ FI। ठीक बात है, यहाँ पर मैं FI ही लिख देता हूँ, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है, ये FI गुणे में XI है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पर देखो समांतर माध्य आपको दिया गया है 25, 25 लिख लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। अब देखो यहाँ पर समेसन का मतलब होता है, सिग्मा का मतलब होता है योग। ठीक है, तो FI XI का योग जब आप करेंगे, आपको दिख रहा है योग, यहाँ पर आप लिख लेंगे समेसन FI XI कितना हो जाएगा। देखो 5 5, ये 5 5 5 10 हो गया। अब कैरी 1 आया, 1 और 1 2, अब ये 15x वाला नहीं जोड़ना है, 15x को प्लस 15x लिखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अचर एक चर पद आ जा रहा है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, हम केवल नंबर्स को जोड़ेंगे, तो 5 5 10 हो गया, 1 1 2 5 2 7 7 2 9 9 5 14 की 4 आ जाएगा, कैरी 1 आएगा, तो 2 1 3 3 3 6 6 1 7 और ऊपर कुछ नहीं, तो यहाँ पर 740 हो गया। 740 जब यहाँ पर हो गया प्लस का, अब ये 15x आपको लिख लेना है, तो ये 15x हो जाएगा, मतलब यहाँ पर समेसन FI XI आपका आ गया कितना, 740 प्लस 15x। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अपॉन में। अब आपको चाहिए समेसन FI, क्या चाहिए, समेसन FI चाहिए, तो FI आपका ये है बारंबारता। तो देखो 10 5 15 15 6 21 21 और 3 कितना हो जाएगा, 3 1 4 24, तो ये हो जाएगा 24 और प्लस, देखो x को ऐसे लिख लेना है। ठीक है, तो 24 प्लस का x हो गया, ये कितना हो गया आपका, 24 प्लस का x हो जाएगा। आप क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप कराएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 24 और 25 का जब आप गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, हो जाएगा ये 25 चौका कितना हो जाएगा, 100, मतलब आपको कैरी 10 बचेगा, 25 दूना 50, 50 10 60, तो ये हो गया आपका 600, और ये आपका हो जाएगा 25x, यही तो होगा, हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं। अब यहाँ पर बराबर आप देखेंगे तो ये 740 प्लस का 15x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो हम एक काम करते हैं कि ये जो 25x है, 25x माइनस का 15x ले लेते हैं, और यहाँ पर आपका 740 माइनस 600 लिख लेते हैं। ठीक है, हमने x को एक तरफ कर लिया और चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। अब 25 में से आप 15 घटाएंगे तो 10x हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 740 में से आप 600 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 140, यही तो आएगा। देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 14, और यहाँ पर क्या, जो आपका x मान पूछा था
कि x का मान क्या है, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यही आपका मेरे प्यारे भाई आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये बात आप समझ पाए होंगे। तो मैंने आपको दोनों कंसेप्ट बताया कि जब आपको समांतर माध्य निकालना हो तो आप पहला क्वेश्चन कर सकते हैं उस प्रकार से। अगर समांतर माध्य दिया गया है और यहाँ पर x दिया जाए, f दिया जाए, l दिया जाए, कोई टर्म दे दिया जाए, कहा जाए इसका मान निकालो, तो ये प्रोसेस आप कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। जोड़ना घटाना गुणा भाग अगर आपको आता है तो ये बहुत अच्छा मेथड है लगाने का। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं आपको कराता हूँ। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 है, तो x का मान ज्ञात करना। देखो मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया डायरेक्ट समांतर माध्य निकालने का, दूसरा तरीका बताया समांतर माध्य दिया गया है x का मान निकालना है। यहाँ पर देखो उसी प्रकार से क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पर वर्ग अंतराल नहीं दिया गया है। पिछले क्वेश्चन में आपको वर्ग अंतराल दिया रहता था, बारंबारता fi दिया रहता था, आप xi निकालते थे जोड़ करके आधा, वर्ग अंतराल को जोड़ करके आधा। लेकिन देखो यहाँ पर xi दे दिया गया, आपको fi दिया ही रहता था। ठीक है, यहाँ पर आपका काम आसान कर दिया गया, मतलब कि यहाँ पर आपको वर्ग अंतराल ना दे करके काम आसान कर दिया, आपका xi दे दिया गया है। अब यहाँ से कहा गया समांतर माध्य इतना है, तो आपको ये जो आपका k है, यहाँ पर देखो x दिया गया है, यहाँ पर k लिख लेना है। क्या करना है आपको, k लिख लेना है। ठीक है, मतलब ये k का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो करना क्या आपको, आपको करना डायरेक्ट यही है कि यहाँ से आपको xi और fi लिख लेना है, गुणा कर लेना है इनका। तो कितना हो जाएगा, देखो 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 15 चौके कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 25 त्रिया कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ये आपका 35k हो जाएगा, 35k हो गया, और 45 दूना कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर होता है समेसन fi xi अपॉन में समेसन fi, मतलब fi xi का योग। बात वही है, xi fi लिखो चाहे fi xi लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब आप समेशन इनका योग करेंगे fi xi का, यहाँ पर यार fi xi लिखते नहीं तो आप दिक्कत कर जाओगे, fi xi कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, योग करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, 0 0 5, ये 5 ही आएगा आपका। यहाँ पर देखो 6 3 9 9 7 9 1 10 10 10 9 7 16, और 16 4 20 5 25, ये हो जाएगा 255। ठीक बात है, जोड़ लेते हैं एक बार, 5 आ जाएगा, 6 3 9 7 16, और 16 4 20 5 25, 255 आ गया प्लस का, ये 35 के आपको लिखना है, डायरेक्ट जोड़ना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो fi xi कितना आ गया, fi xi आपका आ गया 255 प्लस का 35 के। ठीक बात है मेरे प्यारे भाई, 35 के हो गया, 35 के आपका हो गया। अब देखो समांतर माध्य आपको दिया गया है यहाँ पर 21.5। ठीक बात है, फिर आपको यहाँ पर देखना है fi, समेसन fi आपको ज्ञात करना, मतलब ये यही तो आपका fi है, मतलब 6 4 10 और 3 2 5, मतलब 15 आ गया। यहाँ पर आपको लिख लेना है कि समेसन fi बराबर 15 प्लस का k हो जाएगा। ठीक है, 15 यहाँ पर आपको लिख लेना है, 15 प्लस का k। ठीक बात है, कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब आप इनका तिरछा गुणा करा दें, क्या करा दें, तिरछा गुणा अगर आप करा देंगे तो देखो यहाँ पर 15 5 कितना हो जाएगा, 75, तो 75 डायरेक्ट करा रहे हैं। ठीक है, देखो 15 5 कितना हो जाएगा, 75, कैरी आपका 7 आ जाएगा, 5 लिख लेना है, 15 1 9 15 15 7 22 22 के 2, हासिल कितना आ जाएगा, कैरी आपका 2 आएगा, 15 2 30 2 32, ये हो गया। एक अंक पर दशमलव, एक अंक पर दशमलव लगा लिया हमने। अब देखो इस संख्या में इसका गुणा किया गया है ना, अब के में भी तो होगा, तो ये हो जाएगा 21.5 के। अब बराबर नीचे आपका कुछ नहीं तो एक है, तो यहाँ पर वही संख्या लिख ली जाएगी, 255 प्लस का 35 के, कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं है। हम k को एक तरफ पढ़ते हैं और चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, ये बात, संख्या को एक तरफ और k वाले को एक तरफ पढ़ लेते हैं। तो हम देखते हैं ये कि यहाँ पर आपका k आ रहा है, यहाँ पर भी आप k अगर उसको उधर कर देते हैं कोई तकलीफ नहीं है, किसी को भी आप इधर उधर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये आपका 322.5, ये 255 इधर इधर आ जाएगा, माइनस का 255 हो जाएगा, बराबर इधर आपका 35 के है, ये उधर जाएगा, तो माइनस का 21.5 के हो जाएगा। ठीक है, ये 3 आपका है, ये 3 है आपका। अब क्या करते हैं, ये 21.5 है अगर, तो 15 2 9 30 300 हो जाएगा, 15 1 9 15 हो जाएगा, 15 7 105 हो जाएगा। ठीक तो आ रहा है, 15 15 5 75, हाँ ठीक आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना है, 255 है, तो इसको घटा लेंगे, 255 और ये 322 हो जाएगा, 322.5, ये 0.0 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 आ जाएगा,
यहाँ पर देखो चार बचा, चार में से दो जाएगा दो आएगा, ठीक बात है। यहाँ पर आपका आ जाएगा पाँच, पाँच में से दो जाएगा तीन आएगा, गड़बड़ कर दिया क्या, 322 है, 322 है ये ना, हम 222 समझ रहे थे। चलो ये कितना है आपका, 322 है, मतलब आपका 322.5 में से आपको 255 घटाना है। क्या घटाना है, 255, हम इसको 222 समझ रहे थे, नहीं तो माइनस में आ जाता ना। देखो तो ये कितना हो जाएगा आपका, घटाएंगे 255 तो ये तो आपका 5 ही रहेगा। यहाँ पर ये 12 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ पर 11 हो जाएगा, 6 5 यहाँ पर 11 आएगा, ये कट जाएगा, मतलब यहाँ से आपका आ गया 67.5। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको 22 ले लेते हैं, तो 22 आप लेंगे तो 13, ये 13.5 हो जाएगा, 13.5 के हो जाएगा। देखो दशमलव से दशमलव कैंसिल ही हो जाएगा, 13, 13 पंजे 65, 66, 67, 5 बार जा सकता है, ये 5 बार जाएगा। अगर हम क्या कर दें कि 13.5 में अगर हम 5 से गुणा कराएं, 5 पंजे 25, 2 आएगा, 5 3 15 2 17 के साथ कैरी 1 आएगा, 5 एक 5 1 6 कितना आ रहा है, 67.5, 5 बार जाएगा। तो 13.5 से ये 5 बार मतलब कट जाएगा, तो के बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे भाई, 5 आ गया, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसको आप नोट कर लें, देखो मैंने आपको सभी तरीका बताया, समांतर माध्य अगर निकालना हो तो, समांतर माध्य अगर दिया गया है x का मान निकालना है तो, अगर आपको वर्ग अंतराल मतलब क्या हुआ, ये 2020 का क्वेश्चन है, ये 2020 में आपके आया था, ठीक है। वर्ग अंतराल अगर नहीं दिया गया, XIFI दिया गया है, डायरेक्ट आप इस तरह से कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा बस, ठीक है। इसको आप नोट कर लें, फिर हम आगे के बारे बताते हैं आपको। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कह रहा है कि दिए गए बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 50 है, तब वर्ग अंतराल 20, 40, 60, 80 की अज्ञात बारंबारताएं F1 F2 ज्ञात करना। अभी तक आपको एक बारंबारता ज्ञात करना रहता था, लेकिन अब यहाँ पर दो बारंबारताएं F1 और F2 ज्ञात करना है, तो कैसे कर पाएंगे ऐसे सवाल को। देखिए यहाँ पर आपको वर्ग अंतराल दिया गया, बारंबारता दिया गया FI, तो यहाँ से आपको XI क्या होता है, मध्यमान, मध्यमान आपको ज्ञात करना है, कैसे हो जाएगा। अच्छा एक चीज और यहाँ पर देखना है, आपको यहाँ पर योग दिया होगा 120, ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये आपको अभी कन्फर्म करना है कि योग यहाँ पर दिया रहेगा 120, ठीक है। 120 मतलब कुछ भी दिया रहेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में आपको योग दिया रहेगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम मध्यमान निकालेंगे XI, तो XI कैसे आएगा, जोड़ करके आधा यहाँ पर जोड़ेंगे आप, 0 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा, आधा करेंगे 10 आ जाएगा, 20 40 का आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 60, 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30, 30 आ जाएगा, 60 और 40 को आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 100, और 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50। तो एक बात देख पा रहे हैं, इनका डिफरेंस कितने का है, 20-20 का डिफरेंस है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 10-20 जोड़ेंगे 30 आया, 30 में 20 जोड़ेंगे 50 आया, 50 में 20 जोड़ेंगे 70 आ जाएगा, 70 में 20 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, ये आप बात बन गई, ठीक है। अब देखो जो आपको वो फार्मूला कहता है, वो कहता है समांतर माध्य बराबर क्या होता है कि FI और XI का योग, FI XI का योग अपॉन में समेशन FI, ठीक बात है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये समांतर माध्य छोटा सा लिख लेते हैं, समांतर माध्य, क्योंकि यहाँ पर अभी कम लगेगा ना, तो इसका मतलब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है FI XI। तो FI XI क्या होता है, इनका गुणा कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम करेंगे हम FI XI को निकालेंगे, 17 धाम में कितना हो जाएगा 170, FI गुणे कितना हो जाएगा 30, मतलब इसको आप लिख सकते हैं 30 FI, यहाँ पर आप जोड़ेंगे जब तो एक 0 आ जाएगा, 5 2 10 1 आएगा, 5 3 15 1 16, ये 1600 हो जाएगा। F2 यहाँ पर आपका है, ये आपका F1 था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 F1, और ये आपका हो जाएगा 70 F2, यही F1 F2 का मान ज्ञात करना है, और 19 9 कितना हो जाएगा 171, तो ये 1710, ये 1710 हो जाएगा आपका, ठीक बात है। अब आपको चाहिए समेशन FI XI, ये I है, ये XI है, ये 1 है, ये 2 है, ये F1 F2 का आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इनका योग जब आप करेंगे, समेशन क्या करेंगे, FI XI का योग, तो क्या आ जाएगा, देखो जोड़ते हैं इनको, देखो 170 1600 और 1710 को आपको जोड़ लेना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो आराम से जोड़ते हैं, 1600 में आप 100 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1700, और 17 दूना कितना हो जाएगा 3400, यहाँ 70 बचा, यहाँ पर 10 बचा, तो ये हो जाएगा 3480, जोड़ करके आप देख सकते हैं, ये आपका 0 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, और ये 7 हो गया, 7 6 13, 13 14 84 1 1 1 1 1 2 और 1 कैरी 3 आ जाएगा।
तो ये आपका आ गया 3480। अच्छा, समांतर माध्य आपको दिया गया है 50, तो 50 लिख लेते हैं। ये आपको समांतर माध्य 50 दिया गया है। सिग्मा एफ आई एक्स आई आपका हो गया 3480। लेकिन मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर देखो एफ वन और एफ टू भी तो है, तो मतलब प्लस का यहाँ पर आपको लिख लेना है 30F1 प्लस 70F2, यही तो होगा 30F1 प्लस 70F2। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा प्लस का आपका हो जाएगा 30F1 प्लस 70F2, ये आपका हो जाएगा, कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं है, ठीक है, 70F2 हो गया। अब देखो अपवन में आपको करना है समेशन FI। देखो योग दिया गया 120, लेकिन आपको समेशन एफ आई निकालना है, तो कैसे निकालेंगे लिख लेते हैं। यहाँ पर समेशन एफ आई जब आप निकालेंगे तो 17 और यहाँ पर आपका है 9, 2, 11, 11, 7 कितना हो जाएगा 18, 7, 1, 18 हो गया, 18 के आएगा, कैरी आपका 1 आएगा, 1, 1, 2, 2, 3, 5, 5, 1, 6, तो ये आपका हो गया 68, कितना हो गया 68, यही तो आएगा 30, 10, 40, 10, 50 और 50, 10, 60 और 8, 68, 68 हो गया प्लस का F1 प्लस का F2, ये हो जाएगा आपका। मेरे प्यारे भाई, एक बात आप समझना कि जो आपका यहाँ पर समेशन FI है, इसका योग 120 दिया गया है, मतलब FI का मान 120 दिया गया है, तो अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, यहाँ पर अगर हम लिख दें 120, तो कोई दिक्कत है नहीं। और आप जानते हैं नीचे क्या होता है, नीचे होता है समेशन FI, तो FI का मान आपको 120 दिया गया है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट 120 लिख सकते हो, कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं है, ठीक है, इसका काम अभी बाद में लगेगा। तो यहाँ से आप एक काम करेंगे, ये जो 68 है इसको इधर लेकर आएंगे, कितना हो जाएगा 120 माइनस का 68 बराबर क्या हो जाएगा F1 प्लस का F2। ये जो F1 F2 है, आप 120 में से 68 घटाएंगे, शायद 52 आएगा आपका, जोड़ लेते हैं 8, 2, 10, 0 और 6, 6, 12, ठीक है, तो 52 आपका आ गया, 120 माइनस 68 आपने किया कितना आ गया 52, तो मतलब यहाँ पर F1 F2 का मान आपको 52 मिल गया, अभी क्वेश्चन में काम लगेगा इसका, ठीक है। अब देखो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, तो यहाँ पर देखो 2 0 आपका पहले से ही लगा लेना है, 2 0 आपको पहले से ही लगा लेना है। अब देखो 12 कितना हो जाएगा, 12 5 60, देखो सांख्यिकी में तो कैलकुलेशन है, ये जो गुणा करना जोड़ना है ये, ठीक है, तो आपको टाइम लगेगा, जो 0 आपने लिख लिया 12 5 60, तो यहाँ पर आपका आ गया 6000। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, ये आपका है कितना है, आपका कितना है, ज़्यादा तो नहीं हो गया, यहाँ पर 3480 है, तो 3480 रहेगा, ठीक है, मतलब 34 आपका आ जाएगा, वो तो ज़्यादा हो गया था ना। अब देखो इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 3480 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो 30F1 प्लस 70F2 ये आ जाएगा। अब देखो इसमें से आप घटाएंगे जब, तो घटाएंगे तो यहाँ पर देखो, अगर आप इसमें 20 जोड़ दें तो 3500 हो जाएगा, 3500 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2520। देखो इन दोनों को जोड़े, देखो 6000 आता है, 0 हो जाएगा, 8, 2, 10 की 0 कैरी 1 आएगा, 4, 1, 5, 5, 10 की 0 कैरी 1 आएगा, 3, 3, 6, ठीक है, सही है। अब देखो यहाँ पर मेरे प्यारे भी 10 आपसे कॉमन मिल रहा है, 10 कॉमन मिल रहा है, तो अगर हम 10 बाहर ले लें, देखो मैं ज़रूरी नहीं कि मैं जैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ वैसे आप करें, आप अपने तरीके से कर सकते हैं, प्लस का 7F2 हो जाएगा, ठीक है। देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आप देख पाएंगे 252 बराबर आ गया 3F1 प्लस 7F2, ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ से आपको F1 F2 का मान चाहिए, तो देखो एक समीकरण आपका ये बन गया, और यहाँ पर एक समीकरण आपने यहाँ से बना लिया, समीकरण नंबर 2, ठीक बात है। हम क्या करें, अगर समीकरण देखो यहाँ पर 3F1 F2 है, अगर हम समीकरण 2 में क्या कर दें, देखो कैलकुलेशन अपनी तरफ से कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो, 10 गुणा वगैरह ना करा पाएँ, ठीक है, अपनी तरफ से कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैं करा रहा हूँ ये शॉर्ट मेथड है, ठीक है। देखो देखो यहाँ पर 3 मिल रहा है ना, हम क्या करते हैं कि एक को गायब करना पड़ेगा, तो अगर हम इनमें 3 से गुणा करा लें, तो देखो 3 से अगर आप गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा, देखो 3 2 6 हो जाएगा, 3 5 15, 156 हो गया, बराबर आपका आ गया 3F1 प्लस 3F2। तो हम क्या करेंगे, इन समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 माइनस का 2 कर लेते हैं, मतलब 2 का मतलब अब ये जो नया आपका बना है, या 3 लिख लो भाई, कोई दिक्कत हो जाए आपको, इसको आप 3 लिख लो, ठीक है। हम क्या करते हैं, 1 माइनस का 3 कर लेते हैं, तो 1 आपका ये है कितना, 252 बराबर 3 आपका हो जाएगा 3F1 प्लस का 7F2,
सात एफ टू। अब समीकरण नंबर तीन आपका ये है 156 बराबर 3F1 + 3F2। अब देखो इनको घटाएंगे, हमने घटाने को कहा है तो सिंबल सब क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखो तीन से तीन कैंसिल हो गया, प्लस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो गया। 156 में से 152 घटाएंगे आप कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 94 आएगा। देख लेते हैं, 12 में से 6 जाएगा, 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 आएगा। यहाँ पर आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपका हो गया 14 हो गया, और 14 में से 5 जाएगा तो 9 आएगा, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक में से एक जाएगा 0, तो 96 आ गया। ठीक बात है, यहाँ पर आप देख पाएंगे, देखो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, लेकिन 7 में से 3 घटेगा 4 आएगा, तो 4F2 आपका हो गया। अब 4 से आप कैंसिल करेंगे, देखो F2 बराबर कितना हो जाएगा, 96/4। इसको आप घटाएंगे, जब काटेंगे 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, 24 × 4 = 96 होता भी है, तो मतलब F2 आपका आ गया 24, F2 आपका 24 आ रहा है। अब F1 आपको निकालना है, तो कहीं पर भी रख दें, चाहे एक में रख दें, चाहे ये जो आपने माना था समीकरण नंबर दो इतने को यहाँ पर रख दें, चाहे यहाँ पर रख दें, तो हम वहाँ पर रखेंगे जहाँ कैलकुलेशन कम हो। तो देखो यहाँ पर 52 बराबर क्या है आपका, 52 बराबर है F1 + F2। यहाँ पर आसान हो जाएगा, ठीक है। F2 आपका 24 दिया गया है, मतलब हम F2 की जगह क्या रख देंगे, 24 रख देंगे। अगर हमने F2 की जगह 24 रखा है तो अब इसको इधर लेकर आते हैं, तो 52 माइनस का ही आपका हो जाएगा 24 बराबर F1, तो 24 × 2 = 48 हो जाएगा, और 24 × 4 कितना हो जाएगा, 28। तो यहाँ पर आप देखेंगे 52 में से आप 24 घटाएंगे तो आएगा आपका 28, तो यहाँ से F1 बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे भाई, 28 आ गया। तो देखो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अच्छा से नहीं लिखा गया है, लेकिन जैसे जैसे मैंने किया, अगर आप डायरेक्ट दोहराते जाएंगे तो अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको F1 और, देखो हमको थोड़ा सा जुकाम है, इस वजह से मैं सही से आवाज़ नहीं आ पा रही, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो F1 और F2, तो F1 आपका आ गया 28 और F2 आपका आ गया 24, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको आप नोट कर लें। तो मेरे प्यारे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। देखो 4 क्वेश्चंस हो पाए, लेकिन जितने क्वेश्चंस समांतर माध्य से बन सकते थे वो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, मतलब जो बोर्ड एग्जाम 2023 में आने के पूरे चांसेस हैं समांतर माध्य के क्वेश्चंस, वो मैंने आपको कराए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा कि जो आपके माध्यिका से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं सभी टाइप के, वो मैं करा दूंगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं, अगर आपको ये सभी क्वेश्चन देख करके अच्छा लगा है, तो सब्सक्राइब आप जरूर कर देना, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब वगैरह करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है और हम आपको और वीडियोस प्रोवाइड करा पाते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, वो भी पढ़ेंगे तो और मज़ा आएगा। कमेंट सेक्शन में आपके जो भी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए वो बता सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, थैंक यू भाई।